कांवड़ यात्रा आज गंगूकुंड से प्रारंभ होकर महाकालेश्वर प्रभु के दरबार में पहुंची है, जहां गंगूकुंड से लाए जल को जो है आज यहां अभिषेक किया जा रहा है। जैसा कि पूर्व में भी हम खबर दुखा चुके हैं कि 8 तारीख को जो है बड़ी कांवड़ यात्रा निकलेगी, जो कि गंगूकुंड से प्रारंभ होकर महाकालेश्वर, और कल जो यात्रा निकलेगी वो गंगूकुंड से उबेश्वर महादेव 9 तारीख को निकलने वाली, उसका भी नज़ारा जरूर दिखाएंगे। फिलहाल अभी जो नज़ारा आप देख रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर से, जहाँ पर कांवड़िए जल भर के लेके पहुँचे हैं, भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करेंगे। जो जल भर के लेकर आ गए हैं, जो जल ने अभिषेक किया है, वो पुनः यहाँ पर अपने लोटे वापस जमा करें ताकि अगले साल के लिए वापस काम आ सके। चेहरे यहाँ पर सब विराजे हुए हैं, जो लेके आए हैं, जो अगुवाई करने वाले हैं, वो चेहरे यहाँ पर मौजूद है। चलिए हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं किस प्रकार का ये पूरा भक्ति भरा दृश्य रहा, क्या कुछ इस भक्ति में इस कांवड़ यात्रा का। सबसे पहले ब्लड भाई है हमारे बीच। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज गंगूकुंड से महाकालेश्वर की जो यात्रा थी वो अभी संपन्न हुई है, और सभी शिव भक्त महादेव को जल अभिषेक कर रहे हैं, और जल अभिषेक के बाद भोजन प्रसादी का आनंद लेंगे। आप सभी को एक बार और बता दूं आपके इन चैनल से कि कल जो होने वाली यात्रा है उबेश्वर जी वाली, आप सभी उदयपुर वासी, मेवाड़ वासी, जहां भी आप इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जरूर आए। और सुबह 8 बजे से गंगूकुंड पर जो शिव यात्रा निकलेगी, कांवड़ यात्रा, वो उबेश्वर जी जाएगी, और वहां पर 1 बजे अभिषेक होगा और वहीं पर माँ प्रसादी होगी। आप सभी शिव भक्तों को कल में यात्रा में, कांवड़ यात्रा में जरूर जरूर पधारना है। जय महादेव, जय भोलेनाथ, जय उबेश्वर महादेव। सभी भक्त क्या कहना चाहते हो, अपनी बारी का इंतजार करें। बस हम तो भगवान की सनातन धर्म परंपरा पे चलने वाले हैं, और अभी जो काम चल रहा है सनातन का, मोदी जी के आने के बाद सभी देश में जागृति है और लोग बढ़ चढ़ कर धर्म के प्रति अपना हिस्सा ले रहे हैं, और जहाँ भी मेवाड़वासी, भारतवासी, देशवासी को समस्या आती है तो भगवान उनकी हर पीड़ा हरे, इसके लिए हर हर महादेव की सेवा है। और श्रावण मास चल रहा है, पवित्र त्यौहार है, इसलिए सभी लोग बढ़ चढ़कर भगवान का हिस्सा ले रहे हैं। पूरे विश्व में क्या संदेश देना चाहते हैं? विश्व में शांति और सद्भावना का संदेश देना चाहते हैं, और धर्म पर चले, नहीं तो बांग्लादेश वाले हालात सभी जगह होने वाले हैं। लो, नमस्कार। सफ़र बहुत ही अच्छा था। सबसे पहले सभी को नमस्कार, मैं तनिष चौधरी, ये 12वीं विशाल कांवड़ यात्रा है। मैं लगातार 10 साल से इस कांवड़ यात्रा का हिस्सा बन रहा हूँ, और हमारे गंगा का चौथा पाया जिसे माना जाता है गंगूकुंड, वहाँ से हम 6 किलोमीटर की दूरी तय करके हम माँ कालेश्वर को जड़ अर्पण करने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कांवड़ यात्रा का संयोजक मोहनलाल साहू, ये हमारी 12वीं कांवड़ यात्रा है। बड़ी हल्लो उल्लास के साथ में सब जय कार्यकर्ते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं, और कोई चीज़ कोई नहीं हुई, और सबसे सभी से भी चाहते हैं कि सबको सुख सम्मति हो, आराम से सभी जिले भर जाए, हमारी अच्छी बारिश हो, इसी कामना के साथ में हम ये सबको जय महाकाल, जय महाकाल। तो 12वीं बड़ी विशाल यात्रा आज प्रभु महाकालेश्वर के दरबार में पहुंची है, और जल अभिषेक जो है वो कांवड़िए कर रहे हैं। सभी भक्त, सभी मैयाँ, सब यहां पर मौजूद है, और बड़ी सुंदर तस्वीरों के साथ, भक्तिमय तस्वीरों के साथ, बड़े ही आनंदित पूर्वक नज़ारा आप देख पा रहे हैं। कोई कांवड़ को सहला रहा है, कोई कांवड़ को वापस पुनः जो है वापस उसको बांध रहे, ताकि अगले साल ये सारी जो कांवड़िए हैं वापस काम आ सके, इस बात का पूरा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। कुल मिलाकर भक्तिमय तस्वीरें, आनंदमय तस्वीरें हैं। एक तरफ पत्रकार जो है वो के शर्मा साहब से बात कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, और चलिए हम चले भक्तों के पास, क्या कुछ नज़र आ। हमारे जो गंगूकुंड से विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे के शर्मा जी के नेतृत्व में गंगूकुंड से जो महाकाल तक कांवड़ यात्रा निकाली, उसमें लगभग 3 से 4 हज़ार महिलाओं ने भाग लिया है, और कई पुरुष भाइयों ने भी कांवड़ यात्रा में पूरा बहुत जयकारे के साथ, महादेव के जयकारे के साथ, सभी ने बड़े उत्साह से इस यात्रा में सभी ने भाग लिया। सभी को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें बड़ी मनमारी देखिए, हमारे वरिष्ठ देखिए किस प्रकार से इस समाज की भक्तिमय रस का
और इस भक्तिमय को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं यहाँ योगदान दे रहे हैं। ये लच्छे काट रहे हैं, जो जल अभिषेक करके आ गए हैं उनके सब लोटे वापस यहाँ संभाले जा रहे हैं ताकि अगले साल, और वहाँ आप देखिए तो जयकारे जो है वो वहाँ पर हो रहे हैं। बाबू जी क्या कह रहे हैं यार? अरे ठीक है। अरे प्रभु जय महादेव, ये अगले साल के लिए वापस इनको सुरक्षित कर रहे हैं। कांवड़ अलग बांधेंगे, लोटे अलग सुरक्षित रखेंगे, अगले साल फिर उनको लच्छे से बांध के अगले साल 8 अगस्त को हम फिर कांवड़ यात्रा लेकर आएंगे। मुझे तो लगता है इनको सुरक्षित नहीं कर रहे, संस्कारों को सुरक्षित कर रहे हो। संस्कार भी सुरक्षित हैं एक साल के लिए और कांवड़ यात्री भी सुरक्षित हैं। कांवड़ यात्रियों को हम जलाभिषेक का महत्व समझाते हैं। समाज की बुराई काट रहे हो जी? जी क्या लग रहा है? बड़े आनंद आ रहा है, भगवान शिव का काम कर रहे हैं हम। धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से मैया पूरा जल भरकर यहाँ पहुँचे हैं, अभिषेक किया है और पूरे आनंदित तस्वीरें हैं। हाँ किधर लगो आज? हाँ सब बोलो। हम गंगू कुंड से आए और हम कांवड़ यात्रा लेकर हम महाकाल की, हम बहुत अच्छा लग रहा है। मना तले से आए हम। दो आप बोलो, सुशीला बोलो, फिर बहुत अच्छा लगा। ये अरे ना पूरे आनंद भी नहीं, सत्यनगर वही ना टाउन हॉल हो गए, घुलचपुर हो गए, घंटाघर हो गए, अम्मा माता हो गए, इधर आए। लाड़ो पकड़। थैंक यू। जल अभिषेक कर दियो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कांवड़ यात्रा बहुत अच्छी निकली, गंगू कुंड से लेके आए हम महाकाल तक, और बहुत भोलेनाथ की कृपा रही हमारे ऊपर जो हमको यहाँ तक लेके आए भोलेनाथ। हर हर महादेव, और अच्छी बारिश हो, भगवान करे अच्छी बारिश हो। बस क्या ना, हर हर महादेव बोलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इनका फोटो लेना। तो आप देख पा रहे हैं भक्तिमयी तस्वीरें हैं, जहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर किसी से कम नहीं है। इन परंपराओं को, रीत रिवाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी योगदान दे रहे हैं। आइए चलते हैं, हम कांवड़ यात्रों से मिलेंगे, जो आज क्या नज़ारा किया है, किस प्रकार से ये खूबसूरत भक्तिमय तस्वीरें हैं ये आप देख पा रहे हैं। देखिए दृश्य, आप देखिए। तो ये धर्म की ध्वजा को वापस समेटा जा रहा है अगले साल के लिए। हाँ, इस धर्म की ध्वजा को समेटा जो जा रहा है ताकि अगले साल के लिए काम आ सके। हर चीज़ को यहाँ संग्रहण किया जा रहा है, जिस प्रकार से हम संस्कारों को संग्रहण करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर। Thank you.